हेलो गुड इवनिंग फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब स्वागत है आप सभी का आज के एक और नई वीडियो में तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो और सबसे पहले देखते हैं उन स्टॉक्स को जिन स्टॉक्स में आज के ट्रेडिंग सेशन में टारगेट हिट होते हुए नजर आए हैं पहला स्टॉक जिसमें आज के ट्रेडिंग सेशन में टारगेट हिट हुआ है उसका नाम है एपकोटेक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड इस स्टॉक को हमने शेयर किया था गोल्ड मेंबर्स को उन्नीस सितंबर दो हजार बाईस को और इस स्टॉक ने आज के ट्रेडिंग सेशन में अपना फर्स्ट टारगेट हिट किया है इस स्टॉक का आज का दिन कहा सिक्स हंड्रेड थर्टी फाइव का ठीक है फ्रेंड चलिए अब देखते हैं दूसरा स्टॉक कौन सा आज के हमारा दूसरा स्टॉक जिसमें आज के ट्रेडिंग सेशन में टारगेट हिट होता हुआ नजर आया उसका नाम है ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड इस स्टॉक को हमने डिस्कस किया था पंद्रह सितंबर दो की वीडियो में और इस स्टॉक ने आज के ट्रेडिंग सेशन में अपना तीसरा और लास्ट टारगेट हिट किया है इस स्टॉक का आज के दिन का हाइये सेवन हंड्रेड सेवन का चलिए फ्रेंड अब देखते हैं तीसरा और लास्ट स्टॉक कौन सा है आज का हमारा लास्ट स्टॉक जिसमें आज के ट्रेडिंग सेशन में टारगेट हिट होता हुआ नजर आया उसका नाम है सीजी पावर एंड इंडस्ट्रियल सॉल्यूशंस लिमिटेड इस स्टॉक को हमने डिस्कस किया था 14 सितंबर 2022 के वीडियो में और इस स्टॉक ने आज के ट्रेडिंग सेशन में अपना फर्स्ट एंड सेकंड टारगेट हिट किया है इस स्टॉक का आज का दिन हाई है टू का ठीक है फ्रेंड ये तो थे वे तीन स्टॉक जिन तीनों स्टॉक्स में आज के ट्रेडिंग सेशन में टारगेट हिट होते हुए नजर आए है। हैं अब बढ़ते हैं वीडियो में आगे और देखते हैं आज की इस वीडियो में हम किस इनके स्टॉक पर डिस्कशन करने वाले हैं जिसको कि आप अपनी वर्चिस में ऐड कर सकते हैं आगे आने वाले कुछ टाइम के लिए आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह डिस्क्लेमर है इस वीडियो में जिस भी स्टॉक पर डिस्कशन होगा वो सिर्फ लर्निंग एंड प्रैक्टिस पर्पज़ के लिए होगा इस स्टॉक में हमारी ओर से बाइंग के लिए कोई रिकमेंडेशन नहीं है इस स्टॉक में बाइंग करने से पहले अपना खुद का एनालिसिस कर लें और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर ले लें ठीक है फ्रेंड तो चलिए बढ़ते हैं आगे देखते हैं आज का हमारा स्विंग टेस्ट स्टॉक कौन सा है आज का हमारा स्विंग टेस्ट का नाम है द्वारिके सुगर इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड इस स्टॉक को बाइंग कर सकते हैं सस्टेन अबव वन हंड्रेड फाइव पॉइंट थ्री जीरो इसके जो टारगेट आ सकते हैं फ्यूचर वे होंगे वन हंड्रेड नाइन पॉइंट सिक्स जीरो वन हंड्रेड ट्वेल्व पॉइंट नाइन जीरो एंड वन हंड्रेड सिक्सटीन पॉइंट फोर जीरो के स्टॉप लॉस आप लगा सकते हैं जो कि होगा फोर पॉइंट थ्री जीरो रुपीज़ नीचे वन हंड्रेड वन के लेवल पर और स्टॉक होने टाइम रहेगा वन टू सिक्स वीक ठीक है फ्रेंड चलिए अब देखते हैं द्वारिके सूगर इंडस्ट्रीज लिमिटेड को चार्ट पर यह कैसा परफॉर्म कर रहा है फ्रेंड द्वारा के सुगर का चार्ट आपके सामने ओपन हो गया है जैसे कि आप देख रहे हैं चार्ट पर इस स्टॉक ने आज के ट्रेडिंग सेशन में अपनी फिफ्टी डे एक्सप्रांस ऑफ मूविंग एवरेज के पास में क्लोजिंग दी है और अब बात करते हैं इस स्टॉक के आज के दिन के ट्रेडिंग वॉल्यूम की तो जैसे कि आप देख रहे हैं चार्ट पर स्टॉक के आज के दिन के जो वॉल्यूम थे वे इस स्टॉक के पिछले बीस दिन के एवरेज वॉल्यूम से काफ़ी ज़्यादा के थे ठीक है फ्रेंड अब बात करते हैं चार्टे बन रहे पैटर्न की तो जैसे कि आप देख रहे हैं हमें चार्ट पर एक समेट्रिकल ट्राइंगल की फॉर्मेशन बनती हुई नजर आ रही है और इस ट्राइंगल पैटर्न का ब्रेकआउट हमें आज के ट्रेडिंग सेशन में देखने को मिला है अब बात करते हैं इस स्टॉक के बाइंग लेवल की इस स्टॉक के लिए अभी इमीजिएट रिस्ट लेवल बन रहा है उसका वैल्यू है वन हंड्रेड फाइव पॉइंट थ्री जीरो तो अभी आप इस स्टॉक को अपने वॉचिज में ऐड कर सकते हैं जैसे ही स्टॉक आगे आने वाले ट्रेडिंग सेशंस में वन हंड्रेड फाइव पॉइंट थ्री जीरो के लेवल को ब्रेक करता है विद हाई वॉल्यूम एंड इस लेवल के ऊपर आधे से एक घंटे सस्टेन कर जाता है ड्यूरिंग द डे तब स्टॉक को बाइंग की जा सकती है फॉर द टारगेट ऑफ वन हंड्रेड नाइन पॉइंट सिक्स जीरो वन हंड्रेड ट्वेल्व पॉइंट नाइन जीरो एंड वन हंड्रेड सिक्सटीन पॉइंट फोर जीरो स्टॉपलस आप लगा सकते हैं जिसका लेवल होगा वन हंड्रेड वन का जो कि होगा क्लोजिंग बेसिस पर ठीक है फ्रेंड ये तो था द्वारिके सुगर एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड का चार्ट एनालिसिस अब आप इस स्टॉक को अपनी वॉचिज में ऐड कर सकते हैं और जैसे ही इसमें डिस्कस किए गए लेवल्स आते हैं तब आप इसमें बाइंग के लिए सोच सकते हैं तो आज की वीडियो में इतना ही मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक और नए सुमटे स्टॉक के साथ तब तक के लिए बाय टेक केयर एंड थैंक यू वेरी मच